हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विल एकेडमी। माय नेम इज़ लैमिया नसीम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा मैनोमीटर्स पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनोमीटर, बिकॉज एएससी में भी इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और गेट में भी इसका काफ़ी सारा वेटेज है। तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, टाइप ऑफ मैनोमीटर्स देखेंगे, मैनोमीटर की डेफिनेशन देखेंगे और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो मैं इसमें ऐड करूंगी। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मेरी वीडियोज़ की मिलती रहे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाके उसे देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर में पूरा का पूरा डिटेल में कवर कर चुकी हूं विद ईएसी एंड गेट क्वेश्चंस। आपको काफी सारी हेल्प मिल जाएगी उन वीडियोस को देखने के बाद। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैनोमीटर की डेफिनेशन को। तो ये एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। मैनोमीटर इज अ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। प्रेशर को मेजर करती है। किस चीजों पे बेस्ड है, किन चीज पे बेस्ड है? विच बेस्ड ऑन बैलेंसिंग ऑफ फ्लूइड कॉलम। बैलेंसिंग ऑफ फ्लूइड कॉलम का मतलब क्या है? इस तरीके से कोई मैनोमीटर होगा जिसमें इस तरीके से फ्लूइड हमारा पहले से फिल होगा। दिस इज कॉल्ड मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ओके, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर प्रेशर मेजर करना है तो ठीक है, तो यहां पर अगर आप प्रेशर मेजर करोगे तो क्या होगा, यहां पर जो फ्लूइड होगा वो इसमें भर जाएगा और यहां पर क्या होगा, बैलेंसिंग होगी। ये वाला फ्लूइड कॉलम इस तरह इधर राइज कर जाएगा और ये वाला फ्लूइड कॉलम, सॉरी, ये वाला फ्लूइड इधर राइज कर जाएगा और ये फ्लूइड नीचे आ जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से फ्लूइड की बैलेंसिंग होती है और मैनोमीटर इसी पर बेस्ड है। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि टाइप ऑफ मैनोमीटर, तो बेसिकली दो तरह के मैनोमीटर हैं। फर्स्ट वन इज दी सिंपल मैनोमीटर एंड सेकंड इज द डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सिंपल मैनोमीटर है मेजर प्रेशर डिफरेंस एट अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही प्रेशर डिफरेंस निकाल के देता है। ओके, जबकि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है ये प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस को बताता है कि कितना होगा। अब अगर आप बोलोगे कि एग्जाम्पल बताइए कि एग्जाम्पल क्या है सिंपल मैनोमीटर का, तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पीजोमीटर। पीजोमीटर इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मैनोमीटर। चलिए उसे डिस्कस करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ पीजोमीटर कैसा दिखता है, किस तरीके से प्रेशर को मेजर करता है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज कर लिए आपके पास कोई एक पाइप है इस तरीके से। ओके, ये पाइप है आपके पास, इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस तरीके से फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है। आपको प्रेशर मेजर करना है यहां पर, कोई एक पॉइंट ए है, आपने कोई एक पॉइंट ए कंसिडर करा है, यहां पर आप प्रेशर को मेजर करना चाहते हो। तो आपने क्या करा, आप पीजोमीटर लेके आए और आपने यहां पर पीजोमीटर लगा दिया। तो इस तरीके से मैंने देखिए पीजोमीटर को यहां पर लगा दिया। ओके, जब आप ये पीजोमीटर लगाओगे तो क्या होगा, यहां पर फ्लूइड राइज करना स्टार्ट होगा। ओके, इस जो पीजोमीटर आपने लगाया है ये पीजोमीटर में फ्लूइड भर जाएगा। सपोज करिए ये एच हाइट तक फ्लूइड भर गया, ये एच हाइट तक फ्लूइड भर गया। तो पीजोमीटर आपने देखा कि किस तरीके का दिखता है और मैंने कैसे लगाया। तो यहां से मैं लिख सकती हूं पीजोमीटर इज अ ओपन एंडेड ट्यूब। ओके, ओपन एंडेड ट्यूब, वन एंड इज प्लेस्ड वेयर द प्रेशर is to be measured. ओके, ओपन एंडेड ट्यूब है, एक एंड हमने वहां पर प्लेस कराया है जहां पर हमें प्रेशर को मेजर करना है। तो ओपन एंडेड ट्यूब, वन एंड इज प्लेस्ड वेयर द प्रेशर इज टू बी मेजर्ड एंड अदर एंड, अदर एंड के साथ क्या क्या, अदर एंड इज ओपन टू द एटमोस्फेयर। ओके, देखिए दूसरा एंड जो है ना वो ओपन है एटमॉस्फेयर में। तो अगर आप पीजोमीटर यहां पे लगाओगे तो पीजोमीटर आपको प्रेशर दे देगा। कितना प्रेशर देगा, ए पर रो इंटू जी, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लूइड, जी इज द ग्रेविटी एंड एच हाइट जो पीजोमीटर में राइज कराया। इस तरीके से आप पीजोमीटर्स की हेल्प से प्रेशर निकाल सकते हो। क्या सारे फ्लूइड्स का प्रेशर निकाल सकते हो? नो, सारे फ्लूइड का प्रेशर आप नहीं निकाल सकते। जस्ट लाइक गैस के लिए पीजोमीटर एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप चाहोगे यहां पर कोई गैस फिल करके गैस का प्रेशर मेजर कर लो पीजोमीटर की हेल्प से, तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज एक एंड हमारा ओपन है। जैसे ही आप गैस पर लगाओगे पीजोमीटर, गैस हमारी क्या कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी, वो रुकेगी नहीं। तो यहां पर आप कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, कुछ लिमिटेशंस है पीजोमीटर की। तो पहली लिमिटेशन मैं लिख रही हूं, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर किसके लिए, गैस मेजरमेंट। ओके, सॉरी, गैस प्रेशर मेजरमेंट, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर गैस प्रेशर
मेजरमेंट। और एक्सट्रीमली हाई प्रेशर है अगर कहीं पर, सपोज करिए यहां पर ए पर आपको प्रेशर निकालना था और ए पर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर था, तो भी पीजोमीटर करेक्ट रीडिंग नहीं देगा, तो इट इज नॉट यूजफुल फॉर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर मेजरमेंट। सिर्फ मॉडरेट प्रेशर मेजरमेंट के लिए ही हम लोग इसे यूज करते हैं। तो सेकेंड लिमिटेशन आप लिख लीजिएगा, इट इज नॉट यूजफुल फॉर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर मेजरमेंट। ओके, प्रेशर मेजरमेंट इट इज यूज फॉर मॉडरेट। अब यहां से आप लिख सकते हो इट इज यूज फॉर मॉडरेट प्रेशर मेजरमेंट। ओके, तो ये पीजोमीटर के लिमिटेशंस हो गए। उसके बाद अब एक क्वेश्चन कई बार अराइज होता है ईएसी प्रीलिम्स में कि क्या ये जो डायामीटर है, कुछ आप यहां पर जब पीजोमीटर लगाओगे तो पीजोमीटर का कुछ डायामीटर भी तो होगा ना, इस तरीके से सपोज कर लिए डी डायामीटर है, तो क्या डी डायामीटर का कोई रोल होता है प्रेशर मेजरमेंट में? नो, आंसर होगा नो, डायामीटर का कोई भी रोल नहीं है प्रेशर मेजरमेंट में। कैपिलरी जब हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर डायामीटर का रोल था कि डायामीटर मस्ट बी लेस देन 5 mm, ओके, बट पीजोमीटर में डायामीटर का कोई भी रोल नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट हो गया मैनोमीटर का। इसके बाद यूट्यूब मैनोमीटर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक पॉइंट इसमें और ऐड कराने जा रही हूँ, डेट इज कन्वर्जन ऑफ वन फ्लूइड कॉलम टू अनदर फ्लूइड कॉलम। हेडिंग मैंने आपको बता दी, इसका मतलब सुनिए। मतलब ये है, अगर जैसे सपोज करिए यहाँ पर एक पॉइंट ए है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर आपको प्रेशर गिवन है 10 meters ऑफ वाटर, तो आपको चेंज करना है इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको प्रेशर बताना है mm ऑफ Hg में या मीटर ऑफ ग्लिसरीन में। ओके, तो कैसे करते हैं हम लोग कन्वर्जन उसको देखिएगा, मैं उसको सिखाती हूँ आपको। सपोज करिए कि दो पाइप में, एक पाइप मैंने ले लिया 1, एक पाइप ले लिया मैंने 2, ओके, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है और यहां पर आपको बताना है प्रेशर। ओके, तो यहां पर आपने एक मैनोमीटर लगाया और यहाँ पर आपने एक मैनोमीटर लगाया। सपोज कर लिए यहाँ का प्रेशर आपके पास P1 है, अब आप मैनोमीटर लगाओगे तो इस पर क्या होगा, इसमें जो फ्लूइड इसमें फिल होगा वो राइज करेगा। सिमिलरली कंडीशन में यहाँ पर भी क्या होगा, फ्लूइड राइज करेगा। तो सपोज करिए यहाँ पर जो फ्लूइड राइज करा वो H2 करा और यहाँ पर जो फ्लूइड राइज करा वो H1 करा। ओके, अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, सपोज करिए यहां पे जो वाटर है उसकी डेंसिटी ρ1 है और यहां पर जो वाटर है उसकी डेंसिटी ρ2 है। ओके, मैंने हेडिंग टैग क्या डाली, कन्वर्जन ऑफ वन फ्लूइड टू अनदर फ्लूइड कॉलम टू अनदर फ्लूइड कॉलम। यहां पर आपको फ्लूइड कॉलम चेंज करने हैं हैविंग सेम प्रेशर, इसका मतलब क्या है, P1 इज इक्वल टू P2 होना चाहिए। तो P1 हमारा क्या निकलेगा, ρ1g H1, बिकॉज g तो चेंज होने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा ρ2g H2, तो g से g हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 H2। अभी आपको इसकी पावर नहीं समझ आएगी, जैसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी आपको इसकी पावर समझ आ जाएगी कि कितना यूजफुल टूल होने वाला है ये ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 H2। ओके, अब आप एक थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर हम मैं क्या करने जा रही हूँ, ρ1 अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड। ओके, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड हम लोग कौन सा लेते हैं, वाटर लेते हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख के आए हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर भी क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूड से डिवाइड दे देते हैं इनटू H2। अब डेंसिटी ऑफ फ्लूड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूड क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा S1 H1 इज इक्वल टू S2 H2। तो ये बात आपको फॉर्म याद रखनी है, एक आपके पास ये फॉर्मूला आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में और एक ये फॉर्मूला आ गया डेंसिटी के टर्म में। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ उसे देखिएगा, बोल रहा है इफ PA इज इक्वल टू 100 meters ऑफ वाटर, व्हाट इज द प्रेशर एट A? A पर ही प्रेशर बताना है, बट अब की बार आपको किस में बताना है, मीटर ऑफ Hg में। देखिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप सीख गए तो फिर आप कन्वर्जन कर ले जाओगे। क्या दे रहा है, ए पर प्रेशर दे रहा है 100 meters ऑफ वाटर। ओके, आपको किस में बताना है, ए पर ही प्रेशर बताना है मीटर ऑफ Hg में। तो कैसे बताएंगे, फॉर्मूला लगाइए H1 ρ1 इज इक्वल टू ρ2 H2। ओके, अब यहां पर आपको फर्स्ट कंडीशन ए के लिए कितना दिया है, ρ1 कितना हो जाएगा, देखिएगा वाटर की बात कर रहा है ना, तो डेंसिटी हो गई 1000 और H1 कितना दे रहा है 100 meters। फिर किस में चेंज करना, Hg में चेंज करना, Hg कितना होता है
13,600, ओके, डेंसिटी एच जी की कितनी होती है, 13,600 मैंने आपको लिखवाई थी, इन टू एच टू। अब जरा यहां से एच टू की वैल्यू फाइंड करिए, मैं आपको बताती हूँ एच टू की वैल्यू फाइंड करके, ये हो जाएगा 1000 इंटू 100 डिवाइड कर दिए 13,600 से, तो आपको मिलेगा 7.35, ये किस में आ गया, मीटर ऑफ एच जी में। तो यहां पर आपको प्रेशर मिल गया ए पर 7.35 मीटर ऑफ एच जी। तो आपसे ए पर ही प्रेशर पूछा था और ए पर ही प्रेशर दिया था, जो दिया था वो मीटर ऑफ वाटर में था और जो पूछा था वो मीटर ऑफ एच जी में पूछा था। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लगा के कॉलम का कन्वर्जन कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराती हूँ, उसे देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ओके, 30 सेंटीमीटर ऑफ एच जी दे रहा है और आपसे पूछ रहा है प्रेशर ऑफ बी पर ही प्रेशर बताना है, प्रेशर बी पे बताना है इन पास्कल। तो आपको पास्कल पे प्रेशर चाहिए, तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, पी इज इक्वल टू रो जी एच। ओके, इससे रिलेट ना करिए, ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। आपको प्रेशर निकालना है पास्कल में, तो पास्कल आपने ऐसे ही रख, पी ऐसे ही रखा क्योंकि पी आपको पास्कल में मिल जाएगा। ये जो 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर मरकरी दे रहा है, तो इसको हम लोग कैसे पुट करेंगे, एच आपका दे रहा है 30, तो 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये मीटर में हो गया, इंटू ये हो जाएगा 9.81 जी की वैल्यू। ओके, अब रो क्या रखेंगे, रो रखेंगे हम लोग, मरकरी की बात हो रही है ना, तो मरकरी का रो रखा जाएगा और यहां पर आप प्रेशर की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको मिलेगी, देखिएगा कितनी मिल रही है, इंटू 9.81 इंटू 13600। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 4024.8 पास्कल। ओके, अगर किलो पास्कल में निकालना होता तो ये हो जाता 40.024 किलो पास्कल। तो आपसे पास्कल ने पूछा था, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स मैं और ऐड कराने जा रही हूं, उसे देखिएगा। एक प्रेशर की यूनिट होती है टॉर। ओके, इस तरीके से उसे लिखते हैं टॉर। तो वन टॉर हमारा किसके, 1 mm ऑफ एच जी। ओके, वन टॉर किसके बराबर होगा, 1 mm ऑफ एच जी। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा 1.013 बार को हम लोग लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ओके, याद रखिएगा 1 बार को हम लोग पास्कल में अगर लिखना चाहें तो 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। आई थिंक मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो ये छोटी बातें आप ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन मैं आपको सिखा चुकी हूँ। कोई वीडियो में अगर आपको प्रॉब्लम लगी हो या आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने डाउट्स क्लियर करिएगा। जिनको इन वीडियोज़ की ज़रूरत है उनके साथ शेयर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे मैनोमीटर्स को डिस्कस करेंगे और दो मेथड सीखेंगे, डेटम मेथड एंड जंपिंग मेथड, जिसकी हेल्प से हम लोग प्रेशर को फाइंड करते हैं। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।